हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल रजनी लाइव ब्लॉग्स में, और मैं हूँ रजनी। और आज चलते हैं, बनाते हैं दही बड़ा। तो अभी आपने देखा कि मैंने दाल जो है मिक्सी से पीस ली है, वो मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दी थी, तो वो अच्छी तरह से फूल गई थी, तो वो मैं पीस चुकी हूँ। और दाल पीस चुकी है, तब तक पहले रखते हैं चटनी बनने के लिए। तो मैंने चटनी बनाने के लिए भी जो है खटाई को पिसी हुई, मतलब जो अमचूर होता है ना, अमचूर बोलते हैं जिसे, वही पिसी हुई खटाई जो मार्केट वाली थी, पैकेट था, तो उसको मैंने जो है पानी में भिगो दिया था, यानी कि घोल के रख दिया था ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और दोनों तरह की खटाई से आप बना सकते हैं, चाहे आप पिसी वाली से बना लीजिए, चाहे आप जो पीस में होती है, यानी कि जो खटाई होती है, जो जब हरे आम होते हैं तो उनको जो सुखा लिया जाता है, वो वाली खटाई होती है, तो उसको अगर आप उससे बनाना चाहती हैं तो आप उसको धुल के अच्छे से, और उसको जो है थोड़ा सा बॉयल कर लीजिए ताकि वो फूल जाए और अच्छे से पिस जाए, और फिर उसको पीस लीजिए, पीस के पतला घोल बना लीजिए। तो मेरे पास जो है पिसी हुई खटाई थी, तो मैंने इसको जो है घोल लिया है, फुला दिया था और इसका घोल बना लिया है। तो चलते हैं, पहले रख देते हैं चटनी बनने के लिए, और उसके बाद फिर बनाएंगे पकौड़ी दही बड़े वाली। और दाल पीस चुकी है, दाल हमारी रेडी है, बस थोड़ा सा फेंटनी है और बस उसमें हींग और थोड़ा सा नमक डालना है। तो पहले चटनी रख देते हैं बनने के लिए, उसके बाद बनाते हैं पकौड़ी। तो चलते हैं, चटनी के लिए हमने रख दी है गैस पे कढ़ाई। तो चटनी बनाने के लिए हमने ये रख ली कढ़ाई गैस पे, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। थोड़ा सा हमने ऑयल इसमें डाल दिया, और अब हम इसको गैस को जला देंगे। तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे, जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक हम कर लेंगे मसाला तैयार। तो मसाला के लिए हमने इसमें हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और सफेद नमक डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा काला नमक, ये हमने डाल दिया थोड़ा काला नमक, और थोड़ी सौंठ, थोड़ी सौंठ ये 1 चम्मच हमने डाल ली इसमें। इसको हम घोल लेते हैं, मसाले को पानी से थोड़ा गीला कर लेते हैं, क्योंकि सूखा मसाला एकदम डालते डालते ही जल जाता है और अच्छे से भुन नहीं पाता है। हम घोल के डालेंगे अगर पानी से तो बहुत अच्छे से जो है भुन जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको घोल लिया है, ये देखिए। हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें मसाला। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा, ये जीरा पाउडर है, भुना हुआ जीरा था ये हमारा, और ये है काली मिर्च पाउडर, ये भी डाल देंगे और इसको भी भून लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें जो हमने खटाई को भिगो के रखा हुआ है, फुला के रखा हुआ है, वो
ये हमने खटाई जो हमने फुला के रखी थी वो डाल दी है। ये देखिए उबाल आ गया है इसमें। अब हम डालेंगे इसमें चीनी। तो ये हम डाल देंगे इसमें 250 ग्राम के समथिंग चीनी, ज़्यादा ही है थोड़ी सी 250 ग्राम से। और ये हमने डाल दी इसमें। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए काफ़ी देर हो गई है हमारी चटनी को पकते पकते, ये देखिए, और गाढ़ी भी हो गई है। अब हम इसको हटा लेंगे और इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जैसे छुआरा है, गरी है, खरबूजे के बीज हैं या काजू हैं, जो भी आप डालना चाहें डाल दीजिए। तो बस अब हम इसको हटा लेते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। ये पक चुकी है अच्छे से। अब इसको ठंडा होने का थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में, कितना अच्छा कलर भी आया है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं, तब इसको अलग बर्तन में निकाल के रख देते हैं। फिर इस कढ़ाई में बनाते हैं पकौड़ी, दही बड़े वाली, जिसके लिए एक दाल हमने पीस के रखी हुई है। ये देखिए चटनी मैं कढ़ाई में से परोस चुकी हूँ, अलग निकाल चुकी हूँ। और अब मैंने कढ़ाई रख दी है पकौड़ी के लिए, दही बड़े वाली पकौड़ी। तो उसके लिए कढ़ाई रख दी है गैस पे और गैस भी ऑन कर चुकी हूँ। ऑयल भी पड़ चुका है कढ़ाई में। जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा तब तक हम दाल को अच्छी तरह से फेंट लेंगे, क्योंकि अगर हम दाल फेंटेंगे नहीं तो पकौड़ी हमारी बहुत टाइट हो जाएंगी। तो दाल को फेंटना बहुत ज़रूरी होता है। मिक्सी की दाल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, जल्दी फेंट जाती है। और अगर आप नहीं फेंट पाए तो फिर आप थोड़ा सा सोडा डाल लीजिए। तो मैं जब तक ये ऑयल गर्म होता है तब तक मैं दाल को फेंटती हूँ और थोड़ा सा उसमें नमक और हींग डाल के उसको फेंट लेती हूँ। अभी गर्म हो चुका है और हमारी दाल भी फेंट चुकी है, जो कि हमने हींग और थोड़ा सा नमक डाल के फेंट ली है। ये देखिए हमारी दाल भी अच्छे से फेंट चुकी है। अब हम सेकते हैं पकौड़ी। साइज आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए, छोटा बड़ा। तो ये देखिए पकौड़ी सिक रही हैं। और ये जब पानी में डालते हैं इनको तो ये काफ़ी बड़ी हो जाती है फूल के। अभी जो इनका साइज है ये नहीं रहेगा, इससे बड़ा साइज हो जाता है फूल के। ये देखिए हमारी पकौड़ी सिक चुकी हैं, ब्राउन ब्राउन हो चुकी हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। जो हमारी दाल बची हुई है हम उसकी भी इसमें डाल देंगे। तो ये भी देखिए हमारी सिक गई हैं, ये भी ब्राउन ब्राउन हो गई हैं। इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारी पकौड़ी भी रेडी हो गई हैं। और अब हम इनमें से मतलब जो भी हम खाएंगे आज, दो चार बस उतनी ही पानी में भिगाएंगे।
गुनगुने पानी में भिगाना है क्योंकि अभी ये गर्म है, तो भी मतलब वैसे पानी में भिगाना है, गुनगुना हल्का सा गर्म उसी में भिगा देंगे तो इसकी जो ओवर चिकनाई होती है वो भी हट जाती है और ये थोड़ा सा अच्छे से फूल जाते हैं। फिर उसमें से निकाल के थोड़ा सा दबा के और चटनी और दही के साथ सर्व करके खाइए, बहुत अच्छी लगती है। अभी भिगाएंगे और आज कोई और खाने वाला नहीं है, केवल मैं ही हूँ, बस मैं भी टेस्ट करूंगी केवल, तो बस दो ही भिगाऊंगी, ज्यादा नहीं। और कल दीक्षा आ जाएगी तब मैं भिगाऊंगी ज्यादा। और पकौड़ी को बना के आप चटनी को, पकौड़ी को फ्रिज में बना के रख दीजिए, काफ़ी दिन पकौड़ियाँ भी चल जाती हैं, चटनी तो चली ही जाती है, काफ़ी दिन ख़राब नहीं होती है। और फ्रिज में रखने पे पकौड़ी भी हमारी काफ़ी दिन चल जाती हैं। और जिस दिन खाने का मन हो बस निकालो और गर्म पानी में भिगाओ पकौड़ी को, और थोड़ी देर उनको दही में भिगा दीजिए। दही मतलब थोड़ा सा फेंट लेना चाहिए और फिर उस दही में भिगा दीजिए। और बस फिर चटनी डाल के, आप चटनी और नमक मिर्च वगैरह डाल के जो मसाला हम बनाते हैं, बस खाइए और खिलाइए सबको। बहुत ही मतलब टेस्टी होती हैं और अच्छी लगती हैं बहुत ही। हमने भिगाई है केवल पानी से निकाल भी ली है, और पानी से जब निकालना है तो हल्का सा दबा के निकालना है थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही, चटनी और मिर्च, लाल मिर्च और नमक, जैसा भी आप खाएं। और जो हमने मसाला जो बनाते हैं, हींग, जीरा और काली मिर्च वाला, नमक वाला, वो मसाला सब डालते हैं इसमें। अभी अपने लिए लगा भी लिए हैं, ये देखिए देखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और टेस्ट अब खा के पता चलेगा, तो वो देखती हूँ अभी। टेस्ट भी बहुत अच्छा है और सॉफ्ट भी हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे बने हैं। और मात्र 1 घंटे में सब कुछ बन गया, बहुत इजी है बनाना किसी भी चीज़ को और बहुत अच्छे बने हैं। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए, बताइए टेस्ट करके कैसे बने हैं। और आज की वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, अगली वीडियो में, नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।